अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं केचप बनाने जा रही हूँ। केचप बनाऊँगी और आपको मैं दिखाऊँगी। ये मैं टमाटर हैं तकरीबन 3 किलो के करीब, 3 किलो हैं शायद, 3 साढ़े 3 किलो के करीब हैं। और मैं इनको बॉईल करने जा रही हूँ। ये बॉईल होंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। ये देखिए चूल्हे पे चढ़ चुके हैं। अब जब ये बॉईल हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर क्या करना है। देखें, ये टमाटर जो है ना उबल चुके हैं। अब मैं इन्हें पीसने जा रही हूँ। ये मैं केचप बनाऊंगी। अब जब ये मुकम्मल सारे पिस जाएंगे तो फिर मैं आपको ना बताऊंगी कि क्या करना है फिर आगे आगे का प्रोसीजर क्या है। ये देखें, ये ना केचप में लहसुन भी डलता है। ये मैं लहसुन भी डाल रही हूँ जग के अंदर। ये देखें, ये टमाटर जो है ना ये इनको छान रही हूँ मैं। ये छन रहेगा और ये देखें ये छन रहा है। ये देखें, छान लिया मैंने। छानने के बाद ये निकला है कचरा इसका, टमाटरों के छिलके और ये बीज, ये सब ये रह गए। अब ये मैं ये पकाने के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं चढ़ा दूँगी और ये पकता रहेगा। ये देखें, ये दालचीनी है जो मैं ये केचप में डाल रही हूँ। और ये सिरका है और ये एक चमची मैं मिर्चें डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा काला नमक है आधी चमची के बराबर, ये डाल रही हूँ एक चमची के करीब। ये सफ़ेद नमक है, ये डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसे पका रही हूँ खूब। चीनी मैंने अभी नहीं डाली है, चीनी मैं ज़रा देर से डालूँगी थोड़ा। पहले मैं इसे अच्छे से पका लूँ फिर चीनी डालूँगी। ये मैंने पका रही हूँ मैं टमाटरों को केचप के लिए। ये असल में आने वाले महीने में मार्च की 22 तारीख को रोज़ा पड़ जाएगा, तो आने वाले महीने में रमज़ान आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं ये केचप बना लूँ घर में, घर का केचप इस्तेमाल होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको खूब पकाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा ये खूब पकेगा। ये मैं इसे पका रही हूँ खूब। चीनी मैंने अभी नहीं डाली है, चीनी जब डालूँगी तो मैं वाला स्टेप भी आपको दिखाऊँगी। चीनी अभी मैंने नहीं डाली है। ये बहुत देर तक पकेगा, ये जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा इसे खूब पकाना होगा। और बहुत जायके वाला होता है। आज से 15 दिन पहले भी मैंने केचप बनाया था घर में, बच्चों को बहुत पसंद आया था। खा पी के ख़त्म कर दिया और दोबारा से फरमाइश आ गई कि पका बना लें बना लें, ताकि रमज़ान शरीफ में जाए। मैंने कहा अभी तो मैं बना के स्टोर कर लूँगी रमज़ान शरीफ के लिए, लेकिन मुझे पता है ये बीच में ख़त्म हो जाएगा। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं केचप, तो ये जो है ना आप इंजॉय करिएगा, घर में बनाइएगा। अभी मैं जब आखिरी स्टेप हो जाएगा चीनी का, चीनी डालूंगी फिर दिखाऊंगी मैं आपको। ज़रा इसे खूब अच्छे से पका लूँ फिर चीनी वाला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखें, ये बॉईल हो रहा है खूब। अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ आधा कप के करीब। ये वीडियो रुक रही है बार बार, मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने डाल दी है। चीनी के बाद भी ये काफ़ी देर पकेगा, जब तक गाढ़ा नहीं होगा उस वक्त तक ये पकता रहेगा। ये पकने के बाद समझे फिर ये खाने के काबिल होगा। अभी मैंने चीनी डाल दी है इसके अंदर, मैं इसे पकाती रहूँगी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये अभी भी पक ही रहा है। ये इतना गाढ़ा हो चुका है लेकिन अभी वो चीज़ नहीं आई है इसके अंदर। ये अभी खूब फूटेगा, ये
बॉइल्ड होगा खूब, ये छींटे देना शुरू करेगा। ये देखें, ये देखें अभी फट रहा है ना, ये अभी फटना नहीं चाहिए, ये फट रहा है, ये फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसमें अभी थोड़ा पानी है, टमाटरों का पानी अभी है, जब तक ये फूट फूट। ये देखें मैं आपको इस प्लेट में भी दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसके चारों तरफ ये पानी आ रहा है, ये देखें ये पानी बह रहा है, ये बहना नहीं चाहिए पानी, ये देखें ये पानी बह रहा है ना, ये अभी सही नहीं है, इसकी सही होने के कारण दूसरी है, ये बिल्कुल गिरेगा नहीं, पानी नहीं छोड़ेगा, ये पानी छोड़ रहा है, अभी सही नहीं पानी। ये देखें ये तैयार हो चुका है, अजान हो रही है, ये बिल्कुल तैयार है, ये देखें ये इसकी तैयारी, ये बिल्कुल तैयार है, अब ये बह नहीं रहा ना, पानी छोड़ रहा है, ये देखिए फुल तैयार है, ये आपस में मिल नहीं रहा, ये अलग अलग हो गया है, ये बिल्कुल तैयार है, ये मैंने बना लिया है ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए ये फाइनल लुक हैगा, ये देखें ये मैंने कुछ कंटेनर में भर लिया है और कुछ मैंने जार में डाल दिया है, ये तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि किस तरह का बना है, बहुत मज़ा की है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही थी इसमें से, मैंने दालचीनी डाली थी इसमें, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही थी और बहुत मज़े का, बच्चे खा चुके होंगे, छोटे बच्चों ने अभी खाया चिप्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे से ज़्यादा सपोर्ट दें। अल्लाह हाफिज़।